क्या 8 लाख बहुत बहुत मुबारक हो सब्सक्राइबर्स के। ये है यहाँ का सुबह सुबह 6:15 का नजारा। आई थिंक सारा दिन ही ये ऐसा रहता होगा। और यहाँ पे देखें फॉग कैसा हो रहा है ना। कल तैयबा कहती है कि हम लोग ना फॉग को हाथ भी लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा शायद नहीं लगा सकते। यहाँ पर हमें नाश्ता नहीं मिला, जो हमारे शेफ हम वो नींद हम लोग गए थे चाय के लिए। अभी मैं नींद में 2 घंटे के बाद ना, तो इसके हम लोग बाहर जाएंगे ढाबे से नाश्ता करने के लिए। और मैंने सोचा ड्रेस मैंने पहन लिया, अब मैं बनवाने लगी हूँ अपने बाल। और मैं बाल बनवाऊंगी रेड और ब्लैक पोनी से। और अब मेरे बाल बनाएंगी और सबसे कपड़ों से ये पता चला कि आपकी बहन जिंदगी है। सुबह ना मुझसे गलती हुई है, मैं ना यहाँ से खोल के गई हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये दरवाजा भी है। और सुबह मेरे बाल बन चुके हैं और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। अभी हम निकलेंगे आगे जहाँ पे हमने मतलब होटल्स पे जाके स्टे करना है। और आगे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सिर्फ ये एक क्या कहते इसको प्रोमो था, ट्रेलर था ये। तो अभी हम लोग बस यहाँ से जा रहे हैं शाहरुख के पास। तक है मेरे पास अपना ये पर्स उठा लिया और ये मेरा मेकअप। कितना प्यारा लग रहा हूँ मुझे ना, ये ब्लैक शर्ट बहुत पसंद आई है। आप लोग बताएगा आप लोग को ये शर्ट अच्छी लगी कि नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। हमारे सामान जो है मेरा उठा लिया, मेरा सामान बस ये मेरा मेकअप होता है, ये सारा मेरा मेकअप। ऐसी सीढ़ियां ना तो बंदा रोज ही चढ़े, इनकी मजाकें चल रही है। अच्छा मैंने भी फाइजा लिया चॉकलेट और अभी हम लोग चॉकलेट खाएंगे। फाइजा थैंक यू सो मच, इसे मैं जूस भी दिया, मेरी पक्की वाली दोस्त है ये। हमारा जो है रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है। और ये अच्छा अभी हम क्या बोल रहे हैं वो इसलिए रुके क्योंकि हमने ना सारा को विस्तार वाला को अपनी जगह में फ्यूल ही माना था। तो हम लोग यहाँ रुके लेकिन रुके हैं एक तो चीज क्या में सारा इसका बहुत ही सारा बताया कि विस्तार से। और जी ये नैना का मोबाइल है तो मैं उसके मोबाइल से आपको दिखा सकता हूँ कि कितना प्यारे खूबसूरत मंजर है। लेकिन ये मंजर यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एंड है और एंड ही है और बस एंड ही है, बस एंड है, बस एंड है। ये रहा व्यू, ये है ना चीज, अब मजा आ रहा है ना देखने का। भाई ये तो एंड हो गया ना, मतलब दिल क्या गार्डन हो गया है भैया। मौसम तो ऐसा हो रहा है कि दिल गार्डन हो गया। अच्छा भाई बाबर है ना बहुत अच्छा सा गान लगा है, लेकिन मेरी भाभी को पसंद नहीं आ रहा ना। अभी आंखें मत खोलना, रुको। फेंकने जा रहे हो क्या मुझे? नहीं नहीं रुको, देख बस कर दो। ये देख कितना प्यारा लग रहा है ना। अल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। बाबर वो तो देखो और यहाँ पे ना डीडी बाबा जो है ना पिक्चर वीडियोस बनवाने का ना सोच रहा है। तो खवातीनों हजरात आप लोग को मेरे पीछे बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज दिख रही होगी। ये तो जो लोग यहाँ पर आते हैं ना और जो लोग यहाँ पे सिर्फ आते हैं और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, जिंदगी तो उनकी खूबसूरत है। मेरा मैं चाहती हूँ वापस नहीं जाना, मुझे वापस मत भेजो। दिल क्या कर रहा है कि वापस जाओ? आप ऐसे बैठ जाएं, हम मैसेज में आपके पास खाना भेज देंगे। मैसेज तो भाई अबू कह रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे बाप ने कहा है। नहीं नहीं कुछ कह रहा था, मैं मरी ना चाहूँ। मौत सबको प्यारी है, नहीं 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 जिंदगी सबको प्यारी है। मेरे मैं क्यों उल्टी बातें पता नहीं बोलती हूँ। अल्लाह प्लीज गिव मी सेंस ऑफ ह्यूमर, आई वांट टू लिव इन रेस्ट इन पीस। ओहो शाहरुख ने चप्पल पहनी है, ये इतना पॉजेसिव है मेरे बारे में। कहते तुम मत जाओ, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। रोड क्रॉस कर सकती, मुझे पता है, करके दिखाऊं। ओ मैंने तो मैं रोड क्रॉस करके दिखाऊंगी। नहीं नहीं क्या है, एक सेकंड कर रहे थे दो, तो मैं लगता है मैं नहीं कर सकती। अब मैं जो करके दिखाऊंगी, अभी अभी कोई भी नहीं, अभी रुको, अभी कोई नहीं। हाँ क्या ऐसे क्यों करते हो, जाने क्यों देते मुझे तुम? अब मुझे भी दे फिर के, क्या करते है ना मुझसे? फाइनली देखो इतना आराम से कोई आ रहे है ना। और यहाँ से मामू साजिद जो है ना वो बिल्कुल डरे हुए कि यहाँ से भाई कोई बच्चा इधर उधर ना हो जाए। भाई मैं जब इस तरह बैठती हूँ तो वो जो है सीनरी जो है इस तरफ आती है, जब मैं इस तरफ बैठती हूँ तो वो उस तरफ आती है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं सोचा कि मैं इस तरफ बैठूंगी। चलो धक्का दे रही हूँ फिर।
आ रहे, आ जाओ। नैना चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अभी चले तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुम चलो, जाओ बैठ रहे, तुम बैठ। हम लोग देख रहे हैं स्टिंग जी की शो के, जिसमें मतलब जोर का छा, क्योंकि ये शाहरुख की फेवरेट है। तो भी हम नीलम ये पर शाहरुख इसको क्या ऊपर के वो चल रहे हैं, उसके बाद चढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं तो इस पर चढ़ते, इसको बोलते क्या है? जो सड़क है, सड़क के पर चढ़ रहे हैं, ब्रिज। हाँ जी, अब हम चढ़ रहे हैं नीलम ब्रिज के ऊपर। और भाई इनको भी खोल देते हैं, चलो कुछ नहीं गिरा। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब जिंदगी हसीन है, कहते हैं जिंदगी हसीन है। यहाँ पर आके ना आपकी जिंदगी सच में बहुत हसीन होती है, बहुत खूबसूरत। और पॉइंट का नाम पता क्या है? LOC, मजदार। जैसे कहते ना हम लोग हमेशा कहते हैं मजदार मजदार, अब है ना ये मजदार। और यहाँ पे जो वॉइस आ रही खामोश थी ना, बहुत आएगी। अच्छा ये सर जब बता रहे कि ये इंडिया की है, तो हेलो हम सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। अच्छा अब मुझे पता चल गया आप लोग के पास आने का तरीका, अगर आप लोग चाहते हो मैं हूँ तो भाई ये नदी क्रॉस करके आ जाऊँ, कौन सा फ़र्क है? ये जो नदी है ना, मैं कहती हूँ ये भी ना हो, ये हदें भी सब ख़त्म हो जाए हमें, और हम सब हमेशा के लिए एक हो जाए, तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा मैं ये नहीं कहूँगी इंडिया वाले पाकिस्तान वाले, हम सब एक हैं। तो मेरे खूबसूरत से सब्सक्राइबरों, आप लोग के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है कि आप लोग देखने के लिए तैयार हो। अभी नहीं, एक और बार, ये 1 2 3 ये देखे, ये आप लोग के देखे। और भी यहाँ पे चल रहा है खाना, मजेदार सा खाना। और ये रहा मेरा निवाला, प्यारा सा निवाला, यहाँ पे खाने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन जब आया नहीं जा रहा। मैंने यहाँ से ना एक और अपने लिए कबाब मुझे लेना था, दिख रहा है सॉरी मुझे पता नहीं लगा अभी इन लोगों ने रखा है, तो वो ना बोटी मुझसे खाई नहीं जाती, तो मैंने कहा मैं कबाब ले लेती अपने लिए। कैसे मजे से बन रहा है ना ये। मामू साजिद भी आ चुके हैं और बस सब चलते हैं। अच्छा और एक और भी चीज़ है मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए, एक दो दो गिफ्ट हैं, एक तो आप लोग को दिखा दिया और दूसरा गिफ्ट ये रहा, कितना प्यारा लग रहा है, दोनों ही वो फ्लैग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा सिवाय सिग्नल्स के। और मैंने लिया है यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी, मैं पीऊँगी, मुझे सुकून हो जाएगा, जैसे ये मुझे लगा उस नदी से पानी निकल के मैं यहाँ से पी लिया मैंने। और काशी भाई कैसे इंजॉय कर रहे हैं? डर लग रहा है ना, वो शाहरुख और आप दोनों का एक जैसा, उसको वो मीटिंग हो रही है, उल्टी ऐसा हो रहा है, लेकिन दिल घबरा रहा है ना। हाँ ऐसे रास्ते असल में ऐसे है ना, सदस्य दिल घबरा रहा है। चले कोई नहीं, बस थोड़ा सा इसके बाद हम स्टे करेंगे। थैंक यू। मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं था कि ये इतना खतरनाक रास्ते, मैं कभी भी नहीं आता यहाँ। और काशी भाई भी यही बोल रहे हैं, आप दोनों के अल्फाज एक ही हैं। क्या कर रहा है? और भी मैंने ये खा लिया, बस बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम बस चलने लगे। चलो क्या काशी भाई बैठे नहीं जाए, मजाक कर रहा था। बस अभी मुझे एक आइसक्रीम खानी, खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए ताकि मेरा जैसे खून भूखे हो खत्म हो जाए। अच्छा एक आ गई, ये हमारी आइसक्रीम। बच्चों को लेके जाओ तुम अपने लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इसने ना सब ने खा ली, सितारा ने खाई, बाबर ने। हाँ दीदी भाई कह रहा है आइसक्रीम नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तुम लोगों ने ना मुझे ड्राइवर समझा, सीरियसली मुझे इंसान समझाओ, नहीं हर वक्त भाई ड्राइवर ही तो हर ड्राइवर। गाड़ी भी मैं साफ करूं, उसका दरवाजे भी मैं बंद करूं, हद है यार, सैलरी पे रख लो फिर। कहता तुम्हारी लाश आएगी भाई, लाश पीछे आओ। तो बस फिर से हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफर पे। पेप्सी दुनिया है दिल वालों की। और ये देखे हॉर्स, ये देखे जरा। और बस अभी हम लोग ना 15 किलोमीटर रहता है रास्ता, फिर हम बस पहुंचने वाले, हम लोग नीचे जाएंगे। और यहाँ पर आके ना मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ बोलने, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है, आवाज ही बहुत अच्छी है। हाँ। बाबर दिल भर कह रहा है, ओए होए बता, बस मैं जूते उतार के जाना पड़ेगा। अल्लाह इतना मजे का पानी है। नाम क्या है आपका? सुनैन। अच्छा प्यारा नाम है आपका, यहीं पर रहते हो आप? यहाँ पे तो आपको मजा आता होगा ना। अच्छा ठीक है, अब वो कह रहा है मेरा शॉर्ट लो ऊपर, अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे पाँव जम गए हैं बिल्कुल, जाने लगी है ऊपर, खतरों की खिलाड़ी बनने जा रही है।
शाहरुख ने मेरे जूते पहने हुए। शाहरुख आ जाओ ना तुम भी। ऐसा ऊपर से पानी गिरता हुआ आ रहा है ना, कच्ची ने भी मुंह धो लिया है। और भाई बाबर को ना इसके बच्चों ने ना एंड तक तंग किया हुआ है। बाबर तुम्हारी जिंदगी क्या है? नर्क है, नर्क। और बस हम लोग पहुंच चुके हैं, बस एक ही रहता है। ओहो पानी, शाहरुख पानी तो फाइनली हम यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। और ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ जो हम लोग जिस जगह पर आए हैं। पानी की आवाज़ देखो, पानी की उली। बहुत दिल खुश हो गया। तो प्यार से पर्स तुम यहाँ आ जाओ। क्या हुआ शाहरुख, क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है शाहरुख। हाँ इतना मजा आ रहा है, इतनी अच्छी जगह है। मुझे लगा हम ऐसे ही होगा, लेकिन बहुत ऐसे तो मैंने सोचा कि बस अच्छा पर लेकिन ये जगह इतना अच्छा होगा। ये नब्बुन से बात कर उनको समझा रहे हैं एक चीज का। वैसे जो ये है दरियाए नीलम जहाँ पर हम लोग आए हैं। ये रहे यहाँ के रूम्स, ये तकरीबन चार ही के चार का था, तीन अच्छा हाँ चार ही है। बाबर तुम और मैं ना साथ साथ लेंगे, ठीक है? नहीं हाँ दीदी भाई के इधर हमारे बस एक रूम ये है, ये वाले ना बाबर वाले रख रहे हैं। और दूसरा रूम ये है, ये डीडी वाले रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ना यहाँ बैठने की भी जगह है। और यहाँ से जैसे बाहर आओ अल्लाह मेरे लग रहा कसम से मैं जन्नत में आ चुकी हूँ। जो ये वाला रूम है ये मेरा रूम रहेगा। और ये वाला रूम भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ये रहा रूम। बात की जाए वॉशरूम की तो वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर यहाँ से जैसे बाहर निकलो ना यकीन करें जन्नत। और एक रूम है ये वाला, मुझे ना ये वाला रूम जो है ना बहुत पसंद आ रहा है। मैं दिल करता है मैं इसी रूम में ही रहूँ। और ना मैं यहाँ पर सो गई हूँ, यहाँ पर इतना सुकून मिल रहा है, अलग सी दुनिया लग रही है, बहुत सुकून है। और यहाँ पर नेट नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि नेट नहीं है। अपनी मर्जी के इंसान जिंदगी जी जो करना चाहता है, नेट चला चला के आए मोबाइल से थक गए हम लोग। यहाँ पर चल रही है पार्टी, फुल ऑन पार्टी। पता है बस वही सुकून चाह रहा है जिंदगी में, कोई ठंडा। क्या रुक क्या हो गया, ये देखे गिरा जिसने सब कुछ। फातिया रुको रुको, इतनी सारी चीज उठाने की क्या जरूरत थी बताओ। चीजें आती गिरा कर तोड़ फोड़ कर। अब देखो क्या करती है तमाशे। ये भी आ गए, शुक्र है ये आ गए, ये पहुंच गए ये यहाँ पे। मेरे मुझे ना बाबर ने गिरा दिया इसको, चलो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा दिलबर के सॉरी बाबर के ब्लॉग में कि ये ना ये गिर चुका, मैं गिरी थी, अब गिरेगा ये। ओ एक मिनट तो बस अभी थोड़ी देर के ना हम लोग सो रहे हैं क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो भैया हमारी गर्मा गर्म से चाय जो है वो आ चुकी है और अभी हम इसको चाय को पियेंगे। ठंड भी हो गई है, शाम का टाइम है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा। तो ये शॉप पर तुम पी लो फिर मुझे बता देना। ये हमारी आधी फैमिली से यहाँ पर चेयर लेके आ बैठे, काकी को लेकर कैसे आ रहा है ये बोलो क्या हुआ है। हाँ दो कॉन्टेंट दो, मुस्तफ़ा जा रहा है मेरे लिए। मुस्तफ़ा मत तोड़ो, छोड़ो उनको, जीने दो गुलाबों को, गुलाबों को जीने दो। थैंक यू अली, थैंक यू। अब जाओ आप किसी और को कॉन्टेंट दो। अरे ले लो तैबा, दोस्त हो ना आप दोनों। नहीं मांगा था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आप आए हमारी गलियां में,
अच्छा अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, सारी सब हमारी यहाँ पर बैठी हुई है और हम लोग बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं शाहरुख को डाल, शाहरुख सो रहे हैं। शाहरुख दरवाजा खोलो, ये तो यहाँ पे सोया हुआ है पर सब सब कुछ तो दरवाजा बंद है, ये देखे। और यहाँ से मैं इसको देख रही हूँ। आज सब नाश्ते खाना खाने के लिए चल रहा हूँ। जो तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मैं तैयार हो गई, बस मैंने हल्का सा अपने आप को बाल कम किए और बस अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मामू बस करते रहो, मामू साजिद और मैं है हाथी मेरे साथी। फिर भी एक जीप के दर्द लोग अल्लाह से ही, भाई इतना अच्छा लग रहा है आपको ये फ्लावर्स और घर, माओ बहुत क्यूट लग रहा है। अरे हमें रैपिड दिखा, कितना प्यारा है रे रैपिड। ओ भाभी आपको डर लग रहा है? तो भाई हमारा सफर जब वो शुरू हो चुका है और इतना स्पीड से लेके जा रहे हैं, भाई साहब जरा स्लो चलाएं, हम मर्गी के छोटे लोग हैं। या अल्लाह हमें सही सलामत घर पहुंचाओ या अल्लाह। ये देखिए इतने ऊपर है हमने ना, तो फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मुझे लिटरली मुझे उल्टी और चक्कर आने वाले, तो मैं देखते हुए हाइट से बहुत डरती हूँ। और हम लोग ऐसा क्या क्या हाइट में, काशिफ भाई काशिफ भाई आपके साथ क्या हुआ? बस जो कोई हुआ, कहाँ पे टाप गई, कहाँ पे टांग गई, कसम से हम लोग बहुत डर गए काशिफ भाई, सच में हम लोग का दिल बर्दाश्त, कल मैं भी नहीं आऊंगी, हम आप मैं और ये जो है ना एक जगह बैठ जाएंगे, कल हमें यहीं पर रुकना है काशिफ भाई, बहुत डर लगेगा। हाँ अभी हम लोग आए हैं ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट रिजॉर्ट, सॉरी, यहाँ से है एंट्रेंस और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाके हम करेंगे अभी डिनर, भले हमारी काफी टाप चुकी है लेकिन हम लोग जाएंगे बस जो भी है कर। वैसे ये होटल जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी प्यारा है, किसी के हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। और हम लोग रेस्टोरेंट में जस्ट पहुँच चुके हैं, यहाँ की इनकी डेकोरेशन देखें कितनी प्यारी लग रही है। और हम लोग आए हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर डिनर करना है, शाहरुख कह रहा है कबाब जिस की तरह, बट कबाब जिस डिफरेंट होता है और ये काफ़ी डिफरेंट है। और डीडी भाई को लगता है एक दुनिया यहाँ पर भी अलग से। अच्छा तो अभी हम सब जो है वहाँ पर आकर बैठ चुके हैं, जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको कुछ जगह दिखाऊँ। वैसे ना यहाँ पर रात के टाइम वाइड एंगल सही नहीं रहता, बट अच्छा है कल हम लोग फिर से यहाँ पर जब आएंगे तो मैं आपको सुबह के मैं दिखा दूँगी, फिलहाल तो ऐसा ही आ रहा है। पर अभी हमारा आ चुका है मेन्यू, अभी हम लोग देखेंगे कि हमने क्या यहाँ पर, और हमारे लिए आया है, मैंने मंगवाया चिकन मंचूरियन, उसके बाद मुझे चपाती रोटी खा दिखा, उससे मंगवाई थी टिक्का मोटी और मैं चपाती आ गई। अच्छा मैंने अपने लिए इतना सा लिया है और बाद में मुझे और चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके मजा आया पांडा। और ये देखिए यहाँ से निकल रहा है चांद, चांद इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ कैसे निकल रहा है। अल्लाह कितना प्यार से रेशम की तरह बात की है तुमने, छुपा बादल में शर्मा की मिल जाना। और जो चांद है वो बस ऑलमोस्ट सारा निकल गया, भी थोड़ा और भी ऊपर आएगा, जैसे फूल ऊपर आएगा आपको फिर दिखाऊं। और फाइनली जो चांद है वो निकल है और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत, ईद हो गई सबको, ईद मुबारक, चांद नजर आ गया, चांद नजर क्या हो गया सितारा, तुम्हें 8 लाख बहुत बहुत मुबारक हो सब्सक्राइबर्स की, मुबारक है, कत्ल काट रहा है, देखो सही सलामत, इसको मैंने तुम्हें कान में पहनने के लिए दिया है, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या हुआ, सराय की आदमी। और इसके साथ साथ अब हम लोग अभी जाने लगे हैं और मैं अपना व्लॉग करने लगी हूँ, एंड आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माजत, मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।